का चूल्हा जलेगा। कांग्रेस के शासनकाल में रसोई गैस का चूल्हा 20,000-25,000 रुपए देने पर भी नहीं मिल पाता था और मोदी जी ने 8 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस का निशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाया है। कोई कहता था कि हर गरीब को सिर ढकने के लिए मकान मिलेगा, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में अकेले छत्तीसगढ़ ने 8 लाख मकान बनाए हैं। मैं अभिनंदन करूंगा डॉक्टर रमन सिंह का और उनके मंत्रिमंडल का, जिन्होंने यहां के 8 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराए। पूरे देश के अंदर करोड़ों ऐसे गरीबों को आवास उपलब्ध कराए गए। इस देश के अंदर 4 करोड़ गरीब ऐसे थे जिनके पास अपना विद्युत का कनेक्शन नहीं था। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन 4 करोड़ परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और यही नहीं, अभी आयुष्मान भारत की बात कर रहे थे अजय जी। मित्रों, आप सब जानते हैं, गरीबों को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो जाए, एक गरीब की आवश्यकता क्या है? बच्चे को पढ़ाई, नौजवान को कमाई और बुजुर्ग को दवाई, अगर यह मिल जाए तो फिर सोने में सुहागा है। और भारतीय जनता पार्टी ने यह काम किया है। रोटी, कपड़ा और मकान की गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने दी है। जब कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में और देश में, तब छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य था। डॉक्टर रमन सिंह चीफ मिनिस्टर बने, छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य की श्रेणी से उभरता हुआ दिखाई दिया। और आज जिस छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पलायन होता था, देश के अंदर सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। छत्तीसगढ़ में पलायन रुका है। कांग्रेस के समय में यहां खनन माफिया हावी थे, वन माफिया हावी थे, गौ तस्कर हावी थे, धर्मांतरण की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चरम पर हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माफिया के दिन समाप्त और राम राज्य के दिन प्रारंभ हो गए। जनता को उनकी सुविधा का लाभ मिलना प्रारंभ हुआ और देखा देखी यहां पर 1 रुपये किलो चावल और 5 रुपये किलो दाल यहां के गरीबों को मिलना प्रारंभ हुआ। जहां पर कोई भेदभाव न हो, शासन की योजनाएं समान रूप से हर गरीब को बिना भेदभाव मिल जाए, जहां पर हर व्यक्ति को हर प्रकार की बीमारी के उपचार की सुविधा प्राप्त हो जाए, वही राम राज्य है। और राम राज्य की इस परिकल्पना को साकार किया है डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ के अंदर। और इसीलिए आप सबसे आह्वान करने के लिए हम लोग आए हैं। एक तरफ एक कांग्रेस जिसके पास न कोई नेता है, न कोई नीति है, न कार्य करने की पारदर्शी तरीके से कार्य करने की कोई नियति है, जिसने विभाजन विभाजन विखंडन विखंडन अराजकता अराजकता जिसके रग रग में भरा पड़ा है। एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ अपने राष्ट्रीय मूल्यों के लिए गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य करने